हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y21e में और ओप्पो A54 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो दोनों के सेम हैं 6.5 इंच की। दोनों का रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल। दोनों में ही आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो वीवो का है स्नैपड्रैगन का 680 का। CPU है 2.4 का हार्ड ऑक्टाकोर का, 6 नैनोमीटर का फिनफेट। GPU है 610 का। और ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का P35 का। CPU है 2.3 का हार्ड ऑक्टाकोर का, 12 नैनोमीटर का फिनफेट। और प्रोसेसर क्वालिटी में वीवो बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरा की, तो वीवो का है डुअल, मेन जो कैमरा है 13 का फिर 2 का। ओप्पो का है ट्रिपल, मेन जो कैमरा है 13 का फिर 2 का फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो वीवो का है 8 का, ओप्पो का है 16 का। और कैमरा की क्वालिटी में ओप्पो बेस्ट है। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो दोनों में सेम ही 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों की बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, दोनों का है 18 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है। दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों में ही आपको 2 सिम और 7 SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है। वारंटी है 1 साल की। कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। दोनों में फ्रंट में ग्लास है, बैक में प्लास्टिक है। बात करते हैं रैम की, तो वीवो में है 3 GB की, ओप्पो में है 4 GB और 6 GB की। वीवो की मेमोरी है 64 GB की, ओप्पो में है 64 GB और 128 GB की। दोनों में ही आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है अपने अपने UI के साथ। बात करते हैं प्राइस की, वीवो का है स्टार्टिंग 12,999 रुपये, ओप्पो का है स्टार्टिंग 13,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।